पता। महाराज को बचाओ, महाराज को बचाओ, बचाओ। रुक क्यों गए? हमला करो। क्या कर रहे हो? हमला करो, हमला करो, हमला करो। पीछे मत हटो। हमला करो। भाई आपके रुकने का वक्त आ गया है। पीछे हटो। मैं क्यों शिवसेना का नेतृत्व कर रहा हूँ? मेरा आदेश है, सम्राट को मार डालो, मार डालो, शासकों को मार डालो, हमला करो। जू के सैनिकों, हमला करो। चलो जाओ, हमला करो। मेरे सिपाहियों, हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो भी ऐसे स्वार्थी राजा पे। जनरल की सही कह रहे हैं। मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। चल। राजकुमार। चल चल। जाओ, विद्रोहियों को मार डालो, जल्दी करो, जाओ, हमला करो तेजी से, विद्रोहियों को मार डालो। चुप रहो, चुप। भाई, 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 भाई। बहना, मैंने पूरी जिंदगी नफरत की है, मैं बहुत बुरा हूं ना। कभी नहीं, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। मैंने शुनहुआ को मार डाला, मैं उससे प्यार करता था, मैंने ये कैसे कर दिया? कभी कभी लगता है मैं जानवर हूं जो बहुत ही घटिया किस्म का है। तुम बहुत नादान हो, तुम बहुत नादान हो। बहना, मुझे शुनहुआ के बगल में दफनाना, मुझ पर उसका कर्ज है, वो मैं अगले जन्म में चुका दूंगा। छोटे भाई, छोटे भाई, 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 भाई। ये शोर राजकुमार या की वजह से है, शायद मृत्यु होने से गुना छुप गया, लेकिन हर चीज का एक परिणाम होता है और ये राजकुमारी ली जानती है। उन्होंने हालात बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है और लोगों को बचाया है कड़ी मुश्किलों से, और ये बात सब लोग जानते हैं। राजकुमारी ली, हाँ, मैं सम्राट और क्यूशुई के सैन्य को आदेश देता हूँ, तुम्हें जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी, महान दीवार की ढाल की तरह क्यूशुई देश की रक्षा करोगी हमेशा के लिए। क्यों देश की रक्षा एक ही चीज कर सकती है? वो महान दीवार नहीं बल्कि लोगों के दिल हैं। अगर भाई ने लोगों को माना और लोगों के लिए और योजनाएं बनाई तो महान क्यों हमेशा आबाधित रहेगा। बिल्कुल सही। मैं विश्वास की सराहना करती हूँ, पर मैंने किसी और से वादा किया है कि शांति से आसान जिंदगी जीऊंगी। मुझे आशा है भाई मान लेंगे, मैं हमेशा से यही चाहती थी। हाँ,
क्या तुमने पहले ही फैसला किया है? हाँ। तो मेरी तरफ से सहमति है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई, तुम्हें कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कहाँ देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। शांति से जियो। मैं भी शांति से ही जीना चाहता हूं। लेकिन किसके साथ? ठहर जाओ। तो तुमने क्या सोचा? सोच लिया। तो क्या तुम मेरे लिए जू को छोड़ना चाहते हो? मेरे बिना जू की सेना कभी युद्ध नहीं करेगी, और इसके बिना जू के सैनिक अच्छा जीवन जी पाएंगे। चलो चलो, पहाड़ों और नदियों वाली जगह ढूंढते हैं जो फूलों और पक्षियों से घिरी हुई हो। अब आज के बाद मैं कोई जनरल नहीं हूँ, और ना ही तुम कोई राजकुमारी हो। तुम शिकार और खेत में काम करना, मैं खाना बनाऊंगी। हम मिलकर 10 बच्चे पैदा करेंगे। 10 बच्चे? ज्यादा नहीं है ये? चलो 20 कर लेते हैं। हाँ।